सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सर को जल्दी से जल्दी परमानेंटली समाज में वापस लाया जाए। क्यों? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पब्लिक से जानेंगे कि सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा का समाज में आना समाज के लिए कैसा प्रभाव डाल रहा है। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपका गुड नेम? नमस्कार मैम, मेरा नाम काजल है। मैम क्या प्रोफेशन है आपका? मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, स्कूल टीचर। मैम आपको क्या लगता है, संत जी समाज में आए हो तो कैसा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है? देखो, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी अभी कुछ समय पहले 30 दिन की पैरोल पर आए थे और अभी 40 डेज की पैरोल पर जो आए हैं, इससे मतलब गुरुजी ने बहुत सारे लोगों का नशा छुड़ाया। 6 करोड़ लोग पहले ही नशा छोड़ चुके हैं। अभी जब पीछे पैरोल पर आए हैं तो भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर करने का आह्वान किया, नशों से छुड़ाया। और अभी गुरुजी जब भी आते हैं समाज में, मतलब एक देखने को मिलता है कि लोग नशा छोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, जो आज हमारे समाज की ज़रूरत भी है, क्योंकि नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। इसी के तहत ही गुरुजी ने अभी एक नई मुहिम का स्टार्ट की है, डेप्थ कैंपेन, जिसके तहत तो मतलब वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो नशा छोड़ें और दूसरे लोगों को भी छुड़वाएँ। तो इसी के तहत गुरुजी ने मुहिम स्टार्ट की है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नशा हमारे घरों को, हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। जो हमारा कल्चर है, हमारा इंडिया, मतलब जो कि अपनी संस्कृति के लिए मतलब पूरे विश्व भर में व्यापक है, लेकिन क्या है कि अब नशे के चक्कर में लोग पैसों के लालच में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि आप जो दुकानों पे जर्दा, बीड़ी, मतलब तंबाकू, ऐसे ऐसे नशे हैं कि ये भी हम बेचना, जो लोग बेच रहे हैं तो वो ये चीज़ छोड़े ना, वो नशा करें और ना ही वो दूसरे लोगों को नशा बेचें, ताकि हमारे समाज में भी परिवर्तन आए। मैम आपको लगता है वो आए हैं तो अभी समाज में बदलाव आएंगे, फिर से समाज से नशा खत्म होगा? बिल्कुल होगा और हो रहा है। इवन आप देखिए, गुरुजी डेली लाइव आते हैं, आप उनको सुनिए, उनको देखिए कि वो लोगों को यही कह रहे हैं कि आप नशा छोड़ो। देखो, माँ बाप के लिए बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो आजकल का यूथ नशों में जा रहा है, तो मतलब अगर गुरुजी हमारे समाज में रहेंगे और लोग आएंगे, नशा छोड़ेंगे, तो देखो हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा यूथ तरक्की करेगा। और यूथ और समाज, आप जानते हैं कि अगर हमारा ये समाज तरक्की कर रहा है तो हमारा देश ऑटोमेटिक ही तरक्की करेगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सर को जल्दी से जल्दी परमानेंटली समाज में वापस लाया जाए, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी। मैम दूसरी साइड, उनके साथ जो कंट्रोवर्सीज चलती हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखो, ये तो आलोचक तो होते ही हैं। अगर कोई भी समाज में अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक ऑटोमेटिक है कि वो बढ़ेंगे। वो नशा छुड़वा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग नशा सेल कर रहे होंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनके काम पर, उनके धंधे पर असर पड़ रहा है ना। तो बस यही बात है, उन लोगों को बुरा लग रहा है, इसलिए वो एक तरह से डेरी के क्रिटिसाइजर हैं, वो आलोचक बने हुए हैं वो इस चीज़ के। तो ये तो है, ये तो इतिहास भी गवाह है कि जब जब कोई अवतार हुए हैं जिन्होंने भी अच्छे कार्य के लिए समाज में कदम बढ़ाया है, तो उनके आलोचक बड़े हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ काजल थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से संत जी का मकसद, संत जी की सोच, समाज से नशा ख़त्म करना है। पहले भी 6 करोड़ लोग हैं जो नशे से दूर रह रहे हैं, समाज से नशा उन्होंने त्याग दिया है अपनी ज़िंदगी से, और अब फिर से संत जी समाज में आए हैं तो समाज में लोगों का नशा ख़त्म करवा रहे हैं, उसी मुहिम में लगे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, किस तरीके से जनता उनके समाज में परमानेंट आने की मांग कर रही है लगातार सरकार से। देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।